जहर खा लेता है तब क्या करना है, या डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसका, इस वीडियो की डिमांड की थी हमारे एक व्यूवर ने, और बहुत अच्छी बात है जिससे लोगों को भी जानने को मिलेगा। सो इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट और इसका फर्स्ट एड। सो यहाँ पे अगर बात किया है पॉइजन अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो पॉइजन कौन सा, इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मली कोई भी जहर आसानी से मिल तो नहीं पाता, लेकिन आसानी से कौन सा मिलता है, कीटनाशक। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा गांव वगैरह के एरियाज में वो लोग कीटनाशक खा लेते हैं, तो जो अधिकतर जो कीटनाशक रहते हैं जो अनाज वगैरह में रखे जाते हैं, तो उनकी क्या खास बात होती है कि वो लगभग लगभग उस व्यक्ति को एक घंटे तक तड़पता है इंसान, एक घंटे बाद ही मौत हो सकती है। सो यहाँ पे पहला काम तो आपको ही करना है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने जहर खा लिया तो आपको उसके मुंह के अंदर दो उंगली घुसा देनी है। दो उंगली घुसाएंगे तो वह क्या, वो उल्टी करेगा। नॉर्मली आप मुंह के अंदर उल्टी करना होती है तो दो उंगली घुसा देते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ने अभी एक दो मिनट पहले जहर खा लिया तो आपको उसको उल्टी करानी है, उल्टी कराएंगे तो जहर वापस आ जाएगा। अब ठीक है भाई, जहर नहीं आ पाया वापस, उल्टी नहीं हो पाई या हो गई तो जहर नहीं आ पाया, अब क्या करना, अब उसको दोस्तों आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करेगा, वहां पे डॉक्टर्स जो होता है रायल्स ट्यूब का यूज करेगा, मतलब कि जैसे ही पेशेंट आया उसकी नाक से तुरंत एक नेजल ट्यूब होती है दोस्तों, नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब, उसको डाला जाता है ताकि उस जहर को, उस पॉइजन को स्टोमक में से तुरंत निकाला जा सके, ताकि जो जहर है एब्जॉर्ब होके हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में ना पहुंच जाए। सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंच गया एक बार तो आपके हार्ट तक पहुंचेगा और हार्ट से पूरी जगह पे फैल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे उसके जो पॉइजन होता है उसको स्टोमक से निकाला जाता है, इस प्रोसेस को आप गैस्ट्रिक लिवेज बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस में कुछ नहीं होता दोस्तों, एक रायल्स ट्यूब आती है जो कि नाक से डाली जाती है स्टोमक तक, और बस ऐसे नॉर्मली पेशेंट को लिटा के छोड़ दिया जाता है तो वो ट्यूब से पूरा का पूरा पानी निकलने लगता है, स्टोमक खाली हो जाता है, स्टोमक खाली हो जाता है। उसके बाद उसमें सिरिंज के माध्यम से एनएस जो नॉर्मल स्लाइन वाटर होता है या कोई भी साफ पानी को उसके अंदर डाला जाता है सिरिंज के माध्यम से, ताकि वो एरिया धुल जाए, स्टोमक को वॉश किया जाता है एक प्रकार से। तो इतना सब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि भाई पॉइजन पूरा नहीं निकल पाया, तब चारकोल जो रहता है ना उसकी गोलियों को पीस कर उसको उसी ट्यूब के माध्यम से अंदर डाला जाता है। चारकोल एक प्रकार से बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब करता है पॉइजन को, किसी भी तरह की पॉइजनिंग हो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल के बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। सो यहाँ पे उसी को डाला जाता है जिससे क्या होता है कि बचा हुआ जो भी कहीं कहीं चिपका रह जाता है जहर, उसको भी इससे निकाल लिया जाता है। उसके बाद बस ये तो दोस्तों उसका सी जो एबीसी चेक करो, मतलब कि एयरवेज ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये सब चेक करने के बाद सांस अच्छे से ले रहा है बंदा, उसका हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है, ईसीजी वगैरह हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये सब करने के बाद उसको नॉर्मल सी दवाइयां जो होती हैं पैरासिटामोल वगैरह ये सब दे सकते हैं, और अगर ऐसा लग रहा है किसी पर्टिकुलर जहर है, मतलब कि जो नॉर्मल जहर नहीं था और हैवी जहर था, तो उसका पता कर लेते हैं। तो होता क्या है कि उसका एंटीडोट दिया जाता है कि भाई वो जहर ऐसा है कि उसका एंटीडोट अवेलेबल है, तो उसका एंटीडोट दिया जाता है। दोस्तों 90% केसेस में देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया उसको सही समय पे इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच जाती है। और इस चीज को जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि कभी आपके घर में ऐसा कभी होता है कभी भी, तो आपको उसके मुंह के अंदर दो उंगली डालनी है जिससे व्यक्ति उल्टी कर देगा, तो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं जान बचाने के। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक भी कीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।